पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरी जो समस्याएं थी और जो अंदर की जितने गुस्से एंजाइटी जितने भी थे हमारे, वो सभी मैंने ध्यान के माध्यम से समाप्त किया। पितामह पत्री सर का हमेशा एक वर्ड आता था, जब मुझे ये समस्याएं समाप्त हुई। ध्यान तभी ध्यान है जब आप ध्यान प्रचार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय से आज तक सिर्फ मैंने सोचा कि मुझे पूरे बिहार में ध्यान प्रचार करना है, लोगों को ध्यान सिखाना है। मैं दिनेश सिन्हा बुद्ध बिहार ध्यान से, मैं अपनी इस ध्यान यात्रा के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। मास्टर्स और श्रोतागण दोनों जो मास्टर बन चुके हैं ध्यान सत्र में आकर, और जो श्रोतागण हैं जो अभी नहीं बने, मैं उनके लिए अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मास्टर्स, ध्यान जो के क्षेत्र में आने से पहले मेरी ज़िंदगी जो थी, मतलब बहुत ही सुंदर थी, खुशी थी, लेकिन जो मेरे अंदर था, जो किसी पे गुस्सा करना, किसी के बारे में कुछ कह देना, गलत सोचना, अवधारणा ऐसी थी कि किसी से मारपीट कर लेना, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो हमारे अंदर बैठी हुई थी, शारीरिक इशू हमारे साथ थी। मैं आपको सभी चर्चा करूंगा, मैं बारी बारी आपको मैं बताना चाहूंगा। आज से पहले जब मैं ध्यान में से पहले की ये सब घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं जब ध्यान में आया हूं, ध्यान में कैसे आया हूं ये मैं बता रहा हूं मास्टर। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है 2019 में हुआ है। 2019 के जून अप्रोक्सीमेट जून जुलाई के आसपास में बात हुई थी इस पर, और एक सेशन स्टार्ट हुआ था सितंबर से JTTP का। उस JTTP से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मुझे जो अध्यात्म के बारे में पता नहीं था, मेडिटेशन क्या होता है 1% भी नहीं मालूम था। मैं इसको मजाक में लेकर, मेरे साथ में तो नहीं कहेंगे बड़े भाई हैं आनंद सर, आनंद किशोर प्रसाद, जो बैंक में थे और मेरा बैंक से रिलेशन अच्छा था, तो उनसे संपर्क होता था, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें देखा और इसी तरह उन्होंने हमें बोला कि ऐसा है, आप मेडिटेशन करिए, आपको कुछ बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, शारीरिक इशू आपको है ही है। तो मैंने बोला मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन के बारे में हम समझ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने दिया लिंक भेजा, तो मैंने इसको देखा, लिंक ओपन किया, 4:30 बजे लिंक आ जाता था उसका, और 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक का क्लास चलता था। तो फर्स्ट डे था, मैं नॉर्मली इसी तरह स्टार्ट किया, मजाक में ही, समझिए कि मेरी फैक्ट है मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने जूम सेशन को ऐड कर लिया, 1000 लोग उसमें ऐड होते थे, और मुझे संयोग से फर्स्ट डे हमें जूम सेशन मिला, जबकि बहुत सारे लोग उस JTTP में जुड़ते थे, और मुझे संयोग था कि फर्स्ट डे ही हम जूम पे ही जुड़े। मैं उसमें भी एक मजाक के तौर पे मैं बैठा रहा, और बैठने के क्रम में म्यूज़िक जब ऑन हुई, उसमें बताया गया सांसों पर ध्यान रखना, सांसों पे ध्यान रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो उस समय उतने क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन सांसों पे ध्यान रखने का बात बताया गया था। तो मैं उसी क्रम में सांसों पे ध्यान रखा, 10 मिनट म्यूजिक चलने के बाद लगा कि देखते हैं रख कर क्या होता है। वो 10 मिनट के बाद जब मुझे जो महसूस हुआ,
मुझे अलग महसूस हुआ और वो दिन हमारा एक परिवर्तन का दिन हमको नज़र आया। नेक्स्ट डे से मैं सुबह में उठकर नहा धोकर मैं रेडी हुआ और कहा कि मैं अब ध्यान के बारे में मेडिटेशन के बारे में पूरा समझूंगा। तो मैंने सुबह में नहा धोकर 4:30 बजे लिंक आ जाती थी, मैं तुरंत लिंक को कैच करता था, क्योंकि अगर एक थोड़ी सी भी अगर 10 मिनट भी लेट होता था आप चले जाते थे यूट्यूब पर, और मुझे यूट्यूब पर जाना शुरू से पसंद नहीं था। तो मैं कैच करके आपके जूम सेशन पे पहुंचा। उस दिन सेकेंड डे भी रेगुलर ध्यान 40 मिनट्स का कंटिन्यू ध्यान करने के बाद हमारे अंदर लगभग 21 डेज मेरे अंदर ने परिवर्तन होते चले गए। ये 21 डेज के अंदर जो हमारी समस्या थी, जो शारीरिक इश्यू मैंने आपको बताया, वो 21 डेज में मुझे पता चला कि वो स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि हमारे घर परिवार हमको कहने लगे ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन मास्टर्स और श्रोतागण, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो 21वां दिन हमारे लिए हमारी वो समस्या को समाप्त करने वाला दिन था। वो मेरे जीवन से सदा के लिए समाप्त हुआ वो दर्द। मैं 2 दिन तक कष्ट में था, लेकिन पता नहीं इंट्यूशन ऐसे आ जाते थे कि आप अब ठीक हो रहे हो, ये समस्या अब आपकी जाने वाली है, पता चलता था स्वाध्याय के माध्यम से। मास्टर्स, मेरे जीवन मैं कैसे बताऊं, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इससे पहले जो हमारी तकलीफें जो ठीक हुई उस पर मैंने कितने पैसे खर्च किए होंगे। आइसोटिक दिल्ली और पटना होम्योपैथिक एलोपैथिक सारे दवाइयों का मैं जितनी भी चीज़ थे थेरेपी वगैरह सब मैं करा के थक चुका था। अंत में 21 दिन के मेडिटेशन से हमारे मिराकल्स परिवर्तन हमारे अंदर हुआ। आज मैं बता देना चाहता हूँ PMC हिंदी के माध्यम से आप सभी को कि पूरी लाइफ नो मेडिसिन और नो डॉक्टर्स के कॉन्सेप्ट में उस दिन से ही संकल्पित था, और जैसे ही मुझे पता चला था उसी 21 डेज के अंदर में ही दूसरे दिन फॉर्म फिलअप करने के समय शाकाहार मांसाहार के बारे में, मैं मांसाहारी बहुत था, खाने में जो रुचि थी कि जो अच्छे अच्छे लोग सोचते होंगे, एक संडे का दिन में 3-4 आइटम मेरे साथ आते थे, मैं लाता था खुद और वो बनते थे तो खाते थे। आप समझ सकते होंगे मेरे चारों चीज़ बोलने का मतलब, खुल के मैं बोल नहीं सकता हूँ आप सभी को। ये मेरे जो परिवर्तन मैंने जिम में जुड़ा उसके बाद से मैंने लाइफ से ऐसा उतारा जो आज तक मैंने नॉनवेज को छुआ नहीं, और सुनना भी अब मैं पसंद नहीं करता हूँ अपने जीवन से। इवन यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि मशरूम कभी कभी मिल जाता है शादी विवाह में तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। लहसुन अभी थोड़े से जीवन में है लेकिन मैं अभी से अवॉइड करना चालू कर दिया। ये सब परिवर्तन हमें उस समय ही शाकाहार का संकल्पित हो चुके थे जिस समय हम सेशन में जुड़े थे। ये तभी हो सकता है मास्टर जब तक हम अपने अंदर से संकल्पित नहीं होते हैं। हमने संकल्प ले लिया था कि अब मुझे बिना मेडिसिन का ही ठीक होना है। मैंने ठीक हुआ। बहुत सारी वाक्यां हमारे लाइफ में हुई है, बहुत सारी चीज़ों को मैं बता सकता हूँ, मैं उसमें एक मिराकल साहब को मैं बताना चाहता हूँ। ये तो मेरी जो समस्याएं थी और जो अंदर की जितने गुस्से एंजाइटी जितनी भी थे हमारे, वो सभी मैंने ध्यान के माध्यम से समाप्त किया। पितामह पत्री सर का हमेशा एक वर्ड आता था, जब मुझे ये समस्याएं समाप्त हुई, ध्यान तभी ध्यान है जब आप ध्यान प्रचार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय से आज तक सिर्फ मैंने सोचा कि मुझे पूरे बिहार में ध्यान प्रचार करना है, लोगों को ध्यान सिखाना है। मैंने अपने सीनियर आनंद किशोर सर से मैंने बात किया कि सर कैसे करें, मेरे पास कुछ था नहीं, मेरी संस्था की स्थिति भी खराब हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी,
सब चीज़ स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अब मेरे पास कुछ था नहीं, मैं प्लान कर ही रहा था। प्लान करते करते मेरे मन में आया ऐसा चीज़ कि टो यार, बहुत सारी कुर्सी टेबल मेरे पड़े हुए हैं, क्यों ना इसका इस्तेमाल कर लूँ। अब देखिए मैं क्या बताऊँ, मैंने उन सभी चीज़ों का टेबल कुर्सी को मैं जाकर वहाँ रख दिया। एक बुद्ध भगवान की एक मूर्ति को मैंने परचेज किया और सर को गिफ्ट कर दिया। चलिए सर, आज से सृष्टि मेडिटेशन का ओपन हो गया। सृष्टि मेडिटेशन के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। वो मेरा एक मित्र है, उसकी बच्ची का नाम था सृष्टि, और मुझे अच्छा लगता था, वो ध्यानी थी बच्ची, मैं उससे मिलता था, ध्यानी थी। तो क्या बताएं, उसके अंदर जो एनर्जी हमें फील हुआ तो मेरे अंदर से आया कि नहीं, इसी का नाम देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। बहुत अच्छा लगा और ओपन हुआ, और उस समय से आज तक सृष्टि मेडिटेशन फल फूल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और हम लोग सर लोग के माध्यम से वहाँ लोगों को इकट्ठा करके समझें, शाम का समय में बैठकर हम लोग ध्यान करना, स्वाध्याय करना, एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, ये सब लोगों के बीच में होता गया। और मैं आप लोग से सबसे निवेदन करूँगा कि ध्यान आप लोग ज़रूर अपनाएं। हमारा पीएमसी और पीएसएसएम एक बहुत बड़ा वास्ट लेवल में है। पितामह पत्री सर का जो संदेश है, हमें पूरे जगत को शाकाहार बनाना है, ध्यान जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है, मैत्री जगत बनाना है, ये हमारा संकल्प है पूरे बिहार में भी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।